हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ एक DIY ड्राई शैम्पू जो आप घर में ही इजीली बना सकते हो वो शेयर करने वाली हूँ। इस ड्राई शैम्पू को बनाने के लिए आपको सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स चाहिए, बट उससे पहले हम जान लेंगे कि ड्राई शैम्पू होता क्या है। अक्सर हमारे पास टाइम नहीं होता है जब हम बहुत बिजी होते हैं कि हम शैम्पू कर पाए, या फिर डेली बेसिस में शैम्पू करना अच्छा भी नहीं होता है हमारे हेयर्स के लिए, तो इसीलिए ड्राई शैम्पू हम लोग यूज करते हैं। मार्केट में जो ड्राई शैम्पू मिलते हैं उसमें बहुत ज्यादा केमिकल्स होता है और वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव भी होता है और कभी कभी हमारे बजट के बाहर भी होता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए मैं एक केमिकल फ्री ड्राई शैम्पू जो कि आप इजीली घर में बना सको और वो उतना ही इफेक्टिव हो जितना कि मार्केट वो शैम्पू होते हैं। वीडियो में आगे जाने से पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्रिप्शन इज फ्री ऑफ कॉस्ट। पहला इंग्रेडिएंट है कॉर्न स्टार्च या कॉर्न फ्लावर। आप कॉर्न फ्लावर या कॉर्न स्टार्च में से कुछ भी यूज की, दोनों ही हमारे हेयर के लिए एक नेचुरल ड्राई शैम्पू का काम करेगा। मैं यहाँ पे 2 टीस्पून कॉर्न स्टार्च ऐड कर रही हूँ। कॉर्न स्टार्च या कॉर्न फ्लावर एक बहुत ही अच्छा ऑयल एब्जॉर्बेंट है जो कि हमारे हेयर से सारे क्रीजीनेस एंड ऑयलीनेस को एब्जॉर्ब करके हमारे हेयर को फ्रेश फील कराएगा। अगेन इंग्रेडिएंट है मैदा। मैं यहाँ पे ऑल पर्पस फ्लावर जिसे मैदा बोलते हैं वो यूज कर रही हूँ। मैं 1 टीस्पून मैदा ऐड करूंगी। मैदा भी बहुत अच्छा एब्जॉर्बेंट है और ये आपके हेयर्स को एक वॉल्यूम भी देगा और आपके हेयर्स से क्रीसीनेस एंड ऑयलीनेस को भी हटाएगा और ये बहुत ही ज्यादा नेचुरल है तो कोई हार्म नहीं होगा आपके हेयर को। थर्ड इंग्रेडिएंट है कोको पाउडर। मैं यहाँ पे कोको पाउडर इसलिए यूज कर रही हूँ क्योंकि मेरे हेयर हल्का ब्राउनिश ब्लैक है, उनके हेयर डार्क कलर के है, उनके लिए प्रेफरेबल है कि आप कोको पाउडर यूज करो। अगर आपके हेयर डार्क नहीं है, अगर आपके हेयर गोल्डन कलर के है या फिर ग्रे है या फिर व्हाइट है, तो आप कोको पाउडर यूज नहीं करो। मैं यहाँ पे 1/2 टीस्पून कोको पाउडर ऐड कर रही हूँ, मिक्स कर रही हूँ अच्छे से। और ये तीनों ही प्रोडक्ट ईटेबल है, नेचुरल है, इसीलिए ये हार्मफुल नहीं होंगे आपके हेयर के लिए। हम इस ड्राई शैम्पू को एक जार में भर लेंगे। अगर आपके पास सॉल्ट जार है तो वो बेस्ट है क्योंकि उसमें जो छोटे छोटे दाने होते हैं ना, गैप्स होती है, उससे आप इजिली अपने हेयर्स पे डाल सकते हो ये शैम्पू को। मेरे पास वैसा जार खाली नहीं है तो इसलिए मैंने इस कंटेनर को यूज किया है। तो आपने देखा कितना इजिली मेरा ड्राई शैम्पू रेडी है। मैंने सिर्फ इस ड्राई शैम्पू के वीडियो को शूट करने के लिए 3 दिन तक अपने हेयर्स को वॉश नहीं किया है। मैं अभी आपको दिखाऊंगी एप्लीकेशन। मैं थोड़ा सा यहाँ पे ले लेती हूँ। मैं इसे अपने स्कैल्प पे ऐसे पार्ट टू पार्ट अप्लाई करूंगी। अप्लाई करने के बाद आपको थोड़ा सा हल्के मसाज करना है। अगर आप चाहो तो आप बेकिंग सोडा ऐड कर सकते हो, अगर आपको वो पसंद है तो आप 1/2 चुटकी बेकिंग सोडा ऐड कीजिएगा। मुझे बेकिंग सोडा इतना जनरली पसंद नहीं है मैं हेयर में दूँ, अपार्ट फ्रॉम एज ए शैम्पू, तो इसलिए मैंने बेकिंग सोडा ऐड नहीं किया है। एल्केनिक प्रॉपर्टीज भी होती है बेकिंग सोडा में जो कि मुझे नहीं पसंद कि मेरे हेयर्स पे रहे पूरा दिन, तो यहाँ पे मैंने ऐड कर लिया और थोड़ा सा दे देती हूँ। अभी इसे जेंटली मसाज कीजिए। बहुत जन बेबी पाउडर यूज करते हैं एज ए ड्राई शैम्पू, बट मुझे बेबी पाउडर इसलिए अच्छा नहीं लगता है क्योंकि बेबी पाउडर्स में टैल्क भी होता है। आई एम नॉट सेइंग दैट्स बैड, बट अवॉइड कर सकते हैं तो कीजिए क्योंकि नेचुरल चीजें बहुत ज्यादा अच्छी है। कॉर्न स्टार्च बेकिंग पाउडर से ज्यादा अच्छा है, बेबी पाउडर से ज्यादा अच्छा है। तो बहुत ही इजीली हम घर में बना सकते हैं ड्राई शैम्पू। आप देखिए पहले से मेरे हेयर में वॉल्यूम ज्यादा आ गई है और मैं फील कर पा रही हूँ पकड़ के जो एक ऑयलीनेस होता है ना, मैंने अच्छे से पूरे हेयर में अभी तक नहीं दिया है, मैं बाद में दूंगी, पर इस जगह में मैं फील कर पा रही हूँ मेरा हेयर बहुत ही ड्राई फील कर रहा है और उतना क्रीजी एंड ऑयली नहीं फील कर रहा है जैसे पहले कर रहा था। इट वॉज वेरी इजी टू मेक। समर टाइम के लिए आप जरूर एक बना के रख दीजिए, जब भी आपका मन नहीं करेगा कि आप शैम्पू करो या फिर लेजी फील करो या फिर टाइम नहीं है ऑफिस में जाना है, कॉलेज में, स्कूल में जाना है, देन यू कैन डेफिनेटली यूज दिस वन। खराब नहीं होता है क्योंकि इसमें सारी ड्राई चीजें हैं। जरूर इसे बनाइए और मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि आप लोगों को कैसा लगा। मैं वेट करूंगी आप लोगों के कमेंट का, फीडबैक का। अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। मेरे इस वीडियो को आप लोग शेयर भी कर सकते हो व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, हर एक जगह पे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे फ्रेंड बन जाइए। मैं आप लोगों से मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट यूनिक से अच्छे से वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, लव यू, बाय, स्टे ब्लेस्ड।